नंबर वन, विच ऑफ दीज इज मिसमैच, फेनेरियोस मीन विजिबल, ऑप्शन बी क्रिप्टोस मीन्स कंकील्ड, जिम्नो मीन्स नेक्ड, ब्रायोन इज एग्जाम्पल ऑफ लिवरवर्ट्स, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड वेंट पाइप। तो इसमें जो इनकरेक्ट है और मिसमैच्ड है वो है ऑप्शन डी, ब्रायोन जो है वो लिवरवर्ट नहीं है बल्कि एक मॉस प्लांट है। क्वेश्चन नंबर टू, द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इज फ्यूनेरिया, मर्केंशिया, मेगा सिरोस, डोसनिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डोसनिया इज अ लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु अमंग अस द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोफेसर के सी मेहता इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फोर, ब्रायोफाइट्स हैव प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम ब्लू ग्रीन एलजी, ग्रीन एलजी, ब्लू एलजी, रेड एलजी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज सजेस्टेड दैट ब्रायोफाइट्स प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एलजी। क्वेश्चन नंबर फाइव, वेंटर इज द पार्ट ऑफ स्पोरोगोनियम, स्पोरेंजियम, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेंटर इज द पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम विच कंटेन स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज द रॉन्ग पेयर्स, हेपाटिकोप्सिडा कंटेन मर्केंशिया, लाइकोप्सिडा की जो एग्जांपल है वो सिलेजिनेला, ब्रायोप्सिडा की एग्जांपल एंथोसिरोस, टीरोप्सिडा की एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस और सफिनोप्सिडा की एग्जांपल जो है इक्वेसिटम दी हुई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ब्रायोप्सिडा जो है वो रॉन्ग पेयर है क्योंकि एंथोसिरोस बिलोंग करता है एंथोसिरोटियोप्सिडा से और ब्रायोप्सिडा के अंदर जो है वो मॉस प्लांट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक सीड एंड वास्कुलर टिश्यू, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जेमनोस्पर्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स के अंदर वो सारे प्लांट होते हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रियो भी रखते हैं लेकिन उनके अंदर सीड और वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, ब्रायोफाइट्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल, ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, ए लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स जो है वो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, बॉटनिकल नेम ऑफ पीट मॉस इज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, सफेगनम, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, पोलीट्राइकम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सफेगनम इज नोन एज पीट मॉस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर टेन, लार्जेस्ट लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज गैमेट्स, जाइगोट, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गैमेट्स जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन की लास्ट स्टेज है। क्वेश्चन नंबर अलेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉस, क्लब मॉस, रेनडियर मॉस, आयरिस मॉस, बोग मॉस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोग मॉस आर स्फेगनम इज अ ट्रू मॉस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेटोफाइट्स इन हैविंग स्विमिंग एंथ्रोजाइट्स, आर इन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, आर हैविंग आर्चिगोनिया, आर इन लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रायोफाइट्स जो है वो ट्रेटोफाइट्स से डिफरेंट हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होती हैं और ट्रेटोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोगोनियम ऑफ रिसिया, मर्केंशिया, सिलेजिनेला, सफेगनम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मर्केंशिया कंटेन इलेटर्स एंड दीज इलेटर्स आर हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन,
Gametophytic generation is dominant in Tridophyta, Bryophyta, Angiosperm, Gymnosperm. So correct answer is option B. Bryophytes के अंदर जो Gametophyte generation है वो dominant होती है. Question number 16. The first land inhabiting plants are Angiosperm, Gymnosperm, Bryophytes, Tridophytes. So correct answer is option C. It is suggested that bryophytes are first land inhabiting plants. Question number 17. One of the following is of considerable economic importance. Ricea, Funaria, Margantia, Sphagnum. So correct answer is option D. Sphagnum moss is economically very important. Question number 18. Bryophytes can be separated from the algae because they are thalloid forms, they have no connecting tissue, they possesses archegonia, or they contain chloroplast. So correct answer is option C. Bryophytes jo hai wo algae se different hai kyunki bryophytes ke andar archegonia present hote hain aur ye algae ke andar absent hote hain. Question number 19. Compared with gametophyte of bryophytes, the gametophyte of vascular plants tend to be smaller and to have smaller sex organs. So correct answer is option A. Question number 20. Bryophytes resembles algae in the following aspect. तो इसमें जो correct answer है वो है option D. Bryophytes algae से इसलिए resembles करते हैं क्योंकि दोनों की जो है वो thallus like plant body है. दोनों के अंदर vascular tissue absent होते हैं और दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने प्लांट किंगडम की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लें, उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 21. आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया, मार्गेंशिया, कारा, एडियंटम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Archegoniophore is present in Margantia and it contain Archegonia. Question number 22. The evidence for aquatic origin of bryophytes is ciliated sperms, green color, protonema thread, some are still aquatic. So correct answer is option A. Presence of ciliated sperms in bryophytes suggest that they have aquatic origin. Question number 23. Saprophytic bryophytes is Boxbomia aphylla, Rhizocarpus natans, Rhizia flutens, or Radula species. So correct answer is option A. Boxbomia aphylla is a saprophytic bryophytes and it feeds on rotten woods. Question number 24. Sporophyte dependent upon gametophyte is found in algae, fungi, bryophytes, tridophytes. So correct answer is option C. Bryophytes के अंदर जो है वो sporophyte dependent होती है gametophyte के अंदर और gametophyte generation जो है वो dominant होती है. Question number 25. Which place in India is called the golden mine of liverworts? Eastern Himalaya, Western Himalaya, Western Ghat, Eastern Ghat. So correct answer is option B. Western Himalaya ko jo hai wo golden mine of liverworts ke naam par jana jata hai.